देखिए यहाँ पर ऊपर और नीचे आपका ये फ्रीज़र है, ये आपका फ्रीज़र, ठीक है, ये फ्रीज़र ये है ना, ये ऊपर का माइनस का सिस्टम है, इसको प्रेस करना है, ये लाइट जितना ज़्यादा माइनस पे जाएगा ऊपर उतना ज़्यादा आइस जमेगा और ऊपर कूलिंग करेगा, ऊपर के लिए ऊपर का सिस्टम है, ठीक है, मतलब माइनस में हम जितना ज़्यादा कीजिएगा, -20 कीजिए, -21 कीजिए, जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना जल्दी ऊपर आइस जमेगा और कूलिंग करेगा। एवरेज कितना रखना चाहिए? ऐसे आपका 18 से 21 के बीच में रखिएगा ना, ये आपका एवरेज है, ऑल सीजन मोड है, मतलब सभी मौसम के लिए बढ़िया है, 18 से 21 के बीच में, ठीक है। ये आपका नीचे जो सिस्टम है ये आपका इस तरफ का है, नीचे से फ्रिज के लिए, ठीक है, इसको जितना ज़्यादा कम कीजिएगा आप, 3 पे 2 पे कीजिएगा, उतना नीचे जल्दी ठंडा करेगा, जितना कम करेंगे उतना जल्दी उतना, हाँ नीचे जितना जल्दी इसमें कम कीजिएगा उतना जल्दी नीचे ठंडा करेगा। मान लीजिए 6 पे की जल्दी ठंडा करेगा, जितना कम कीजिएगा 6 5 3 2 1 मतलब जितना नीचे जाइएगा उतना जल्दी ठंडा करेगा। 1 पे गए तो बहुत जल्दी करेगा, ठीक है। किसने रखे इसने? इस पर हम सेट कर देंगे, 5 से 2 के बीच में ये सेट रहता है, ठीक है। अब आप चाह रहे कि नहीं ऊपर वाला जो सिस्टम है हमको जल्दी कूलिंग चाहिए कम समय में, तो इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करना होगा। देखिए आपको यहाँ पर क्विक आ गया, क्विक फ्रिज पे, ये आपका जल्दी आइस जमाएगा ऊपर, ठंडा जल्दी से जल्दी करेगा ऊपर वाले सिस्टम में, ठीक है। फिर से इसको हटाना तो फिर प्रेस करना होगा 3 सेकंड के लिए, हाँ तुरंत ही आपका वो हट जाएगा, 3 से 2 सेकंड में तुरंत हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिस्टम समझ लीजिए, आपका कन्वर्ट मोड है, ठीक है। कन्वर्ट मोड का मतलब ऊपर और नीचे, आप चाह रहे मेरा फ्रिज बन जाए, आइस हमको नहीं जमाना है सिर्फ ठंडा चाहिए ऊपर और नीचे भी, ठीक है। तो इसको प्रेस करना होगा 3 सेकंड के लिए, ये बिलिंग कर रहा है, मतलब आप चेंज कर सकते हैं इसको, ये चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया। अब ऊपर और नीचे आपका सिर्फ कूलिंग करेगा, आइस नहीं जमेगा, ठीक है। ये ऑफ और बता रहे आपको, इसको फिर आप प्रेस जब कीजिएगा ना 3 सेकंड के लिए, ब्लिंक करेगा तो फिर चेंज कर सकते हैं, ब्लिंक कर आप चेंज कर सकते हैं इसको। ये यहाँ पे आ गया, मतलब नीचे वाला जो आपका सिस्टम है ये आपका भी बंद हो जाएगा, नीचे वाला पूरा सिस्टम बंद, सिर्फ ऊपर आपको कूलिंग करेगा, ठीक है। अब आप चाह रहे कि नहीं हमको ऊपर वाला ही पूरा सिस्टम को बंद कर देना, सिर्फ नीचे हमको सिर्फ चाहिए ठंडा, तो इसको फिर प्रेस करना होगा उसी तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे जाना होगा, देखिए यहाँ पे अब चल गया ना आपका, अब मतलब ऊपर वाला जो सिस्टम है वो आपका बंद हो गया, ठीक है। इस तरह से होगा, फिर इसको हटाना है, फिर 3 सेकंड के लिए प्रेस करना होगा आपको। यहाँ आपका स्टार्टिंग में आ गया, अब आपका नॉर्मल मोड हो गया है, ठीक है। इसको फिट करके चले जाइए, नॉर्मल जितना रखना चाहिए, इसको 20 पे रखना है, इसको 3 पे रखना है, ठीक है। ये आपका हो गया सेट, अब इसमें ऑल सीजन मोड है, सभी मौसम के लिए बढ़िया रहेगा।